ड्राइवर में हो? हाँ ड्राइवर में। कितना तनख्वाह मिलता है? ये 1700। अच्छा, पूरा कितना साल हो गया इधर? अरे अभी कहाँ पे, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना। मैं हूँ इस टाइम सऊदी अरेबिया में। दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं सऊदी अरब आबा खमीस का गांव। वैसे तो दोस्तों आबा बहुत अच्छा शहर है, घूमने वाला ठंडा इलाका है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितने पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा इलाका है। हमें तो 14 साल हो गए हैं आबा खमीस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग हाउस ड्राइवर में ख़ास करके आते हैं, नए हो तो आबा आओ। आबा में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होता है और कैमरे वगैरह भी दोस्तों नहीं होते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सऊदी अरब का आबा जो गांव होता है कैसा होता है। हम दोस्तों खमीस में हैं तो अभी आपको दिखाते हैं खमीस, आबा का खमीस। ये देखिए दोस्तों इस तरह का है, देख सकते हैं आसपास पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी दोस्तों अच्छा है। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। अभी आपको यहाँ की एक खूबसूरत मस्जिद भी दिखाते हैं गांव में। ये खूबसूरत मस्जिद है गांव की, कितना प्यारा लग रहा है। और ये इन लोगों के घर वगैरह होते हैं। क्या हाल शेख? एक मसरी आदमी जा रहे हैं, पूछ रहे कैसे हो। देख सकते हैं इन लोगों के घर ऐसे हुआ करते हैं, अरबी लोगों के। और ये मस्जिद है दोस्तों गांव की, बहुत प्यारी मस्जिद है। और घर देख सकते हैं दोस्तों, घरों पे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं ठंडे के लिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर आपको बिल्लियाँ बहुत मिलेंगी, कुत्ते बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये देखो एक, ये देखो एक बिल्ली है, एक इधर है, एक ही बैठी हुई है। ये है यहाँ पे आपको दोस्तों कुत्ते नहीं मिलेंगे, बिल्लियाँ बहुत मिलेंगी। तो इस तरह के घर होते हैं गांव में। और ये खूबसूरत मस्जिद सऊदी अरब की गांव की, आबा में दोस्तों आपको हर थोड़ी दूर पे दोस्तों मस्जिद मिल जाएगी। ये देखो घर इन लोगों के, ये मस्जिद का गेट है यहाँ से, ये देखो मस्जिद है, ये देखो गांव। गांव में लोगों के ऐसे घर होते हैं, सिटी में तो थोड़े चेंज होते हैं लेकिन गांव में इस तरह के घर होते हैं। ये देखो पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। देखो कैसे घर हैं। ये दोस्तों देखो खजूर के पेड़ वगैरह भी लगे हुए मिल जाएंगे। गाड़ी खड़ी करने का देखो कितना बढ़िया बनाया है, ये पार्क कितनी ज़बरदस्त है, है? हम इधर आए थे, ये यहाँ पे सिलाई की दुकान है, तो अभी दुकान बंद है। खोल देता हूँ, वैसे 9:30 बजे आ जाएगी, 10 बजे। हाँ इसी में रहता है अंदर। है अभी दुकान खुली नहीं, हमने सोचा चलो थोड़ा वीडियो बनाया जाए। तो एक मेरे साथ में एक भाई भी मिल गए, ये हैं। कहाँ से हो? रा बरेली से भाई। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ड्राइवर में हो? हाँ ड्राइवर में। कितना तनख्वाह मिलता है? ये 1700। अच्छा, पूरा कितना साल हो गया इधर? अरे अभी कहाँ पे, 4-5 महीने हुआ। 4-5 महीना हो गया। पहले कहीं और थे? पहले रियाद में थे इसके पहले। हाँ रियाद से ही आभा से ही है से, नहीं अभी इधर तो सही है, गर्मी ठंडी सही है इधर। मतलब देखो एरिया बहुत अच्छा है, ठंडा इलाका है, गर्मी वगैरह नहीं होती है और ज़्यादा इधर ट्रैफिक वगैरह भी नहीं रहता है। हैं भी नहीं होती है, रियाद से बहुत बढ़िया है इधर। रियाद से बहुत बढ़िया है यार, हमें तो इधर 14 साल हो गया है। अच्छा, हम रहते हैं जवाजात के पास में, कभी आना हो तो आना जवाजात के पास। यही सारा के पास। हाँ हाँ हाँ, जवाजात में वही, उससे वही जवाजात के सीधे सामने पानी की टंकी देखी तुमने? हाँ। वहीं पर उसके आगे ढाल के नीचे जैसे उतरोगे मैरिज लान है। हाँ। वहीं पर है रूम मेरा।
पानी टंकी के पास ऐसे साइड में ढाल। हाँ, मस्जिद के पास में। हाँ मस्जिद है। हाँ मस्जिद में वहीं पर है। तुम्हारा किधर है रूम? उससे सामने सीधे रोड पे तमानिया रोड जो ऐसे सिख रोड। हाँ हाँ, वो सामने सद अली है और जुम्मा मस्जिद है। हाँ जुम्मा मस्जिद है। तो उसी वो निया उत्थेम खुला है, देखा तुमने? नहीं बस मेरे रूम पे पहुंच गए। अरे तो वहीं पर, तो वही तो रोड है हमारा। हाँ तो वहीं पर, तो मेरा उत्थेम मेरे सामने। तो कभी आना तो यार आना। देखो उत्थेम है, उत्थेम से बिल्कुल सीधे चले जाओगे, आगे मस्जिद पड़ेगी इस साइड में, बस वहीं पर मकसला नया खुला है, गाड़ी धुलते ही है वही पास। तो वो जो उठाई खुला है। हाँ। उठाई के सामने इस पार। अरे तो कभी आना तो आना फिर यार रूम पे। वही पास में मेरा रूम, सामने एकदम उठाई के सामने। अच्छा तो कभी आना तो आना। ठीक है नंबर दे दो। नंबर ले लो मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। 03 सब अपने लोग हैं। हाँ मिले जुलेंगे वही पास। ले सेव करो नंबर। जुम्मा मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते हो? हाँ जाते हैं। 053 92 47 18 अब नाम डाल लो अपने आप। तो वो डाल दो ना, इमरान नाम है। हाँ डाल दो। ठीक है एक नंबर दो नंबर दो नंबर दो नंबर